Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और आपका स्वागत है testbook.com में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस लगा रहे थे। तो उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग साइंटिफिक नेम और क्या करने वाले हैं, जो क्लासिफिकेशन होता है एनिमल्स का, और उनके बारे में हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, बिना समय को गवाए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन अपने सामने लाने वाले हैं। और ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो फाइलम है वो इकाइनोडर्मेटा में नहीं आता है। ठीक है, इनमें से कौन सा समूह जो है या कौन सा जानवर जो है वो इकाइनोडर्मेटा समूह में नहीं आता है। क्या वो स्टारफिश है, सी कुकम्बर है, सी उर्चिन है, या समुद्री घोड़ा है? इनमें से कौन सा इकाइनोडर्मेटा में नहीं आता है? स्टारफिश, सी कुकम्बर, सी उर्चिन या समुद्री घोड़ा, कौन सा नहीं आता है? सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, बताओ फटाफट से कौन सा नहीं आता है। मनीष, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इकाइनोडर्मेटा की, तो लोगों ने बताना शुरू कर दिया है। तो इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, तो ये सबसे पहले ओशियन में रहने वाले, हमारे ओशियन में रहने वाले क्या होते हैं, हमारे इनवर्टेब्रेट होते हैं, मतलब इनके में स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाई जाती। कहां पर रहते हैं? ओशियन में, याद रखिएगा, ओशियन महासागर में रहते हैं। ठीक है, इनके में कैसा स्पाइन होता है, मतलब इनका जो पूरा का पूरा अगर बोला जाए कि स्केल्टन सिस्टम होता है, वो कैलिपस्कस होता है। कैलिपस्कस मतलब आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, और पूरे शरीर में जाली की तरह फैला होता है, जाल की तरह पूरे शरीर में फैला होता है, जैसा कि आपने स्टारफिश देखा होगा, स्टारफिश में, सी कुकम्बर में, और सी उर्चिन जो है इसमें हमारा इस तरीके का सिस्टम पाया जाता है। लेकिन हमारा सी हॉर्स जो है वो इसमें नहीं आता है, वो एक वर्टेब्रेट है, मतलब कशेरुकीय रीढ़ की हड्डी उसमें पाई जाती है। और क्या, किस में वो पाया जाता है, तो पिसीज वर्ग में आता है। तो इसका सही जवाब क्या है, तो सी हॉर्स होगा। ठीक है, आलोक ने बताया सी हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अब मुझे बता, इसका सही जवाब क्या हो गया, तो सी हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जो एनिमल्स हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं मरीन में, मतलब विशेष रूप से समुद्री जानवर हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या वो ऑर्थोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, मोलास्का है, या नेमीटोडा है? नेमीटोडा है, इनमें से कौन सा होना चाहिए, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, या मोलास्का, नेमीटोडा? ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का या नेमीटोडा, इनमें से कौन सा है जो मरीन में रहते हैं? ठीक है, पानी में रहते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका जीवन जो है वो गहरे महासागरों में गुजरता है, उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऑर्थोपोडा क्या होते हैं, तो ऑर्थोपोडा आपके ऐसे जंतु होते हैं जिनके में संधिपाद होते हैं, मतलब इनके शरीर से ही इनके पैर निकले रहते हैं। ठीक है, ऑर्थोपोडा, ये कीड़े मकोड़े इसमें आते हैं। इकाइनोडर्मेटा के बारे में हम लोग बात की। ठीक है, उसके बाद से मोलास्का क्या होते हैं, तो मोलास्का जो होते हैं इनके शरीर पर एक आवरण पाया जाता है, ठीक है, कवच पाया जाता है। ठीक है, ऑक्टोपस भी इसमें पाया जाता है, उसके शरीर पे कवच नहीं होता, तो ऑक्टोपस भी मोलास्का का है। नेमीटोड क्या होते हैं, ये मिट्टी में पाए जाते हैं और हमारे पेट में चले जाते हैं, तो नेमीटोडा में आपके मिट्टी में पाए जाने वाले कृमि होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, तो इकाइनोडर्मेटा, मतलब ये ज़्यादातर जो है वो ओशियन में पाए जाते हैं। ठीक है मिंटू, गुड मॉर्निंग, इकाइनोडर्मेटा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा इसका सही जवाब है। इनमें से कौन सा ट्रू फिश का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू फिश, या बोल सकते हैं कि पिसीज वर्ग में ही आता है। ठीक है, मत्स्य वर्ग में ही आता है, पिसीज वर्ग में आता है। क्या वो सिल्वर फिश है, फ्लाइंग फिश है, कटल फिश है, या जेली फिश है? ठीक है, बताओ फटाफट से अनामिका की क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। सभी को गुड मॉर्निंग है। क्या वो सिल्वर फिश है, फ्लाइंग फिश है,
कटल फिश है या जेली फिश है, कौन सा इसका सही जवाब होना चाहिए? सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश या जेली फिश, कौन सा इसका सही जवाब होना चाहिए? इनमें से कौन सा ट्रू फिश का एग्जाम्पल है? ट्रू फिश का एग्जाम्पल है, ठीक है? लोग बता रहे हैं कटल फिश, तीन नंबर के साथ लोग जा रहे हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि इनमें से कौन सा जो है हमारा जो है इसका एग्जाम्पल है, हमारा ट्रू फिश का है, तो इसका सही जवाब है आपका फ्लाइंग फिश। यही एक फिश जो है ये पिसीज वर्ग में आती है, पिसीज में आती है, ठीक है? बाकी के जो सारिंग है, सिल्वर फिश की बात करें तो ये आपकी ऑर्थोपोडा में आती है, ठीक है? कीड़े मकोड़ों की तरीके होती है ये, ठीक है? सिल्वर फिश, कटल फिश जो है, ये कटल फिश जो है ये मोलास्का में आती है, ठीक है? मोलास्का में आती है। और जेली फिश जो है नेरिडिया में आती है, नेरिडिया संघ में आती है, मतलब ये भी हमारी ट्रू फिश नहीं है। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाइंग फिश जो है इसका सही जवाब है, कटल नहीं, फ्लाइंग फिश इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके में रेड ब्लड कॉर्पल्स में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है? न्यूक्लियस नॉर्मली ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, किसमें? रेड ब्लड आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में हमारा क्या नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, किसमें? आरबीसी में। तो कौन सा होना चाहिए, कौन सा है जिसमें आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है? क्या वो कैमल है, डॉग है, रैट है, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर लोगों ने बोला सर कैमल है, तो मैं आपको दो जानवरों के नाम बता रहा हूँ, एक कैमल और दूसरा लांबा। लांबा ये ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, इनके आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी में पाई जाती है आपकी सेल्स। कैसी? आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल्स में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। तो कौन सी सेल्स में? आरबीसी में, ठीक है? आरबीसी में, ठीक है? अब आपको पता हो जाए कैमल और लांबा, याद रखिएगा इनके आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी सब में नहीं पाया जाता है। अब आपको बताना है कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब दोहरा परिसंचरण तंत्र, मतलब मैं आपको बता देता हूं कि ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड है वो अलग वेसल्स में जा रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग वेसल्स में जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग वेसल्स में जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग वेसल्स में जा रहा है। ये कौन से एनिमल्स में पाए जाते हैं? पिसीज, एमिफीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स, एवीज या मैमल्स, ठीक है, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग, ठीक है, या स्तनधारी, इनमें से कौन सा सही जवाब होना चाहिए? हाँ बेटा डेली आ रही है। तो किसमें पाया जाता है? देखिए हमारे बॉडी में आप लोगों को मालूम होगा कि आर्टरी और वेन्स होती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग उसमें ले जाती हैं। उसी तरीके से एवीज में भी सेम सिस्टम होता है, और बाकी ये आप तीन देख रहे हो, पिसीज, एमिफीबियन और रेप्टाइल, इनमें क्या होता है? तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रक्त परिवहन तंत्र तो होता है, लेकिन सिंगल होता है, याद रखिएगा सिंगल होता है। तो कौन सा इसका सही जवाब होना चाहिए? डी एंड ई, इसका सही जवाब होना चाहिए डी एंड ई, ठीक है? तीसरा नंबर जो है इसका सही जवाब है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका सही जवाब है डी एन सी। इनमें से कौन सा जो है वो कोल्ड ब्लड एनिमल है, मतलब कोल्ड ब्लड में जिसका जो ब्लड है वो ठंडा होता है, कौन सा है? वेल, ईगल, सार्क, कंगारू। वेल, ईगल, सार्क या कंगारू, किसका जो ब्लड है वो कोल्ड होता है, कोल्ड ब्लड एनिमल है, इनमें से कौन सा? हाँ तुम्हारा सही है, ठीक है, इनमें से कौन सा कोल्ड ब्लड एनिमल है? वेल, ईगल, सार्क या कंगारू, ठीक है? तो आंसू बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, मनीष बता रहे हैं, अनामिका बता रहे हैं, डीएनई पहले वाले का, प्रेम बता रहे हैं कि सार्क होना चाहिए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? पिसीज वर्ग, मतलब मत्स्य वर्ग, ठीक है, रेप्टाइल वर्ग, और कौन? एमिफीबियन। ये आपको याद रखना है, इनके जो एनिमल्स होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं? आपके कोल्ड ब्लडेड। कौन कौन से? पिसीज, मत्स्य, रेप्टाइल, सरीसृप और एमिफीबियन, मतलब उभयचर, ये आपके कैसे होते हैं? तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वेल की, तो वेल आपका बोलोगे सर पिसीज में आता है, तो बिल्कुल नहीं, ये आपका मैमल है। वेल जो है हमारी दुनिया पे सबसे बड़ा मैमल है, ये मत्स्य में नहीं आता है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है सार्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, प्लांट के बीच में और एनिमल के बीच में जोड़ने वाला जो है
वो कौन सा है, प्लांट और एनिमल को जोड़ने वाला जो लिंक है वो कौन सा है, कनेक्टिंग लिंक कौन सा है, एनिमल और प्लांट को जोड़ने वाला लिंक कौन सा है। तो अब बताइए क्या वो एमीबा है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है या पैरामीशियम है। ठीक है, आपका जो कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच में, आपका प्लांट्स और एनिमल के बीच में, वो कौन सा है, क्या वो अमीबा है, युगलीना है, प्लाज्मोडियम है या पैरामीशियम है। तो यहाँ पर आंसू होता है कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के साथ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, डी नंबर, पैरामीशियम भी बता रहे हैं, युगलीना जो है वो भी बताया, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब होना चाहिए युगलीना। ठीक है, युगलीना की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, युगलीना की अगर हम लोग बात करें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, तो इसमें सबसे पहले क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है मतलब ये प्लांट्स की तरीके होता है, लेकिन एनिमल्स की तरीके इसकी जो सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल वॉल जो होती है क्या होती है, अब्सेंट होती है, एनिमल्स की तरीके सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्लांट की खासियत बताता है, और एनिमल की तरीके सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो प्लांट और एनिमल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो युगलीना कर रहा है। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ग्रीन प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ जिसमें आपका बोल सकते हैं सिंगल सेल एनिमल होते हैं प्रोटोजोआ, तो ग्रीन प्रोटोजोआ किसके बोलते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, लेस्मेनिया या युगलीना। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या होना चाहिए, तो लोगों ने बताया कि सर अनामिका बता रही हैं, आंसू बता रहे हैं, ठीक है, कि सर वो युगलीना होना चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है युगलीना। क्यों? ठीक है, चलो बेटा अपने आपस में बातें करना बंद करो, तो क्या इसका सही जवाब होना चाहिए युगलीना, क्योंकि बेटा युगलीना भी मैंने बताया क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चप्पल के आकार का मतलब स्लीपर के जैसा आपका कौन सा एनिमल होता है, कौन सा प्रोटोजोआ जो है वो स्लीपर साइज का होता है, स्लीपर की तरीके होता है, स्लीपर शेप्ड एनिमल कौन सा होता है, अमीबा, ठीक है, ट्रेपिसोनोमा, ठीक है, पैरामीशियम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा जो है वो आपका किस शेप का होता है, तो स्लीपर शेप का होता है, अमीबा, ट्रेपिसोमा, पैरामीशियम या इनमें से कोई नहीं, चप्पल के जैसा होता है, कुछ इस तरीके से जो है वो होता है ये एनिमल। ठीक है, सिंगल सेल एनिमल होता है, कौन सा होता है, ठीक है, मैंने आपको फिगर भी बना दिया कौन सा एनिमल होता है, तो यहाँ पर लोगों ने बताया कि पैरामीशियम सर इसका सही जवाब है, तो पैरामीशियम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ह्यूमन बींग, इनमें से किस तरीके के एनिमल्स जो होते हैं, जिस मैमल्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग आते हैं, कौन से हमारे मैमल्स होते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, तो हमारे मैमल्स में तो ह्यूमन बींग्स आते हैं सबको पता है, ठीक है, लेकिन कौन से आपके मैमल्स हैं जिसमें आपके ह्यूमन बींग्स आते हैं, प्रोथीरिया, मेटाथीरिया या यूथीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया या यूथीरिया, इनमें से किस में हमारे क्या आते हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स आते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया या यूथीरिया। ठीक है, किस में हमारे ह्यूमन बींग आते हैं, देखते हैं कौन बता पाता है। ठीक है, चलिए, तो हमारे मैमल्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, यूथीरिया बताया, ठीक है, शक्ति ने बताया कि यूथीरिया होना चाहिए, तो देखिए मैमल्स जो है वो तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया मतलब ऐसे मैमल्स भी कुछ होते हैं जो एक्स देते हैं, एक्स को लाई करते हैं, जैसे आप लोग शाही जानते होंगे, शाही क्या करता है, जिसके शरीर पे कांटे होते हैं वो मैमल्स है और एग देता है। ठीक है, एग देता है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रोटोथीरिया। कुछ ऐसे हमारे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे जो बोल सकते हैं पूर्ण रूप से डेवलप, मतलब पूर्ण रूप से डेवलप बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, मतलब उनके बच्चे जन्म लेने के बाद डेवलप होते हैं, जैसे कि कंगारू। ठीक है, कंगारू के बारे में आपने सुना होगा, ये पूर्ण रूप से विकसित बच्चों को जन्म नहीं देता है, बाद में इसके बच्चे कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। और यूथीरिया मतलब ये बच्चों को जन्म देते हैं तो पूरी तरह से विकसित होते हैं, उनके हाथ, कान, नाक सब कुछ होता है, जैसे कि कौन, तो जैसे कि इंसान, ह्यूमन। ठीक है, तो किस में आएगा, यूथीरिया। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा, बेटा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूथीरिया इसका सही जवाब है। आंसू क्लियर है पॉइंट ही आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद से जो लार्ज कार्निवोरस होते हैं, बड़े मांसाहारी होते हैं, उनको कौन सा कंज्यूमर भी बोलते हैं, उनको कौन सा कंज्यूमर भी बोलते हैं, जो हमारे लार्ज बोल सकते हैं कार्निवोरस होते हैं, उनको कौन सा कंज्यूमर बोलते हैं, जो हमारे लार्ज कार्निवोरस होते हैं उनको कौन सा कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फूड चेन बनाऊँ तो ये हमारे प्लांट्स हो गए। ठीक है,
अब इन प्लांट्स को कंज्यूम कौन कर रहा है? तो ये हमारे जो छोटे शाकाहारी जानवर होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े। अब इनको कौन खाता है? तो इनको खाता है मेंढक, ठीक है, मेंढक बना देता हूँ, ये मेंढक है भाई, ठीक है, मेंढक ने इसको खाया। अब मेंढक को किसने खाया? तो मेंढक को खाया स्नेक ने। अब इस स्नेक को किसने खाया? तो इस स्नेक को खाया किसने? ईगल ने खा लिया, ठीक है। तो ये ईगल जो है, ये देखिए कंज्यूमर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं, इस प्लांट को खाया, इसको खाया, प्लांट ने खाया, कीड़े मकोड़े ने प्लांट को खाया, इस कीड़े मकोड़े को मेंढक ने खाया, मेंढक को खाया सांप ने, और सांप ने को किसने खाया? इस बड़े मांसाहारी जीव ने। तो ये कौन सा होगा, ठीक है, तो कौन सा होना चाहिए? तो टर्सरी कंज्यूमर होना चाहिए, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स जो है इनमें से कौन से वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में पाए जाते हैं? जो हमारे न्यूमेटिक बोन्स हैं वो कौन से बोल सकते हैं कि एनिमल्स या वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूमेनिक बोन्स, अगर मैं बात करूं न्यूमेनिक बोन्स में, तो ऐसी बोन्स जिनके बीच में क्या भरी हुई है? जिनके बीच में एयर भरी हुई है। ऐसी बोन्स जिनके बीच में एयर भरी हुई है, ऐसी बोन्स को हम लोग न्यूमेटिक बोन्स भी कहते हैं। हाँ सही है, ऐसी बोन्स जिनके बीच में क्या भरे हैं, जिनके बीच में हमारी एयर भरी हुई है, उनको क्या बोलेंगे? तो आप लोगों ने बताया कि बर्ड्स, मतलब एवीज जो है वो बिल्कुल सही है। एवीज जो है, रेप्टाइल नहीं, रेप्टाइल नहीं भाई, एवीज, उनकी बोन्स के बीच में एयर भरी रहती है, न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इनमें से कौन सा एनिमल आपका यूनिसेलुलर नहीं है? एक केस की आपका एनिमल नहीं है, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, बताइए फटाफट से। ये आपका पानी में पाया जाता है, कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? पैरामीशियम लोग बता रहे हैं, सी नंबर। तो यहां पर बताया कि हाइड्रा, हाइड्रा जो है आपका जनरली जो है ये पानी में पाया जाता है, ठीक है, ये आपका यूनिसेलुलर नहीं है, हाइड्रा आपका यूनिसेलुलर नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आरएच फैक्टर, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में एक आरएच फैक्टर प्रोटीन पाया जाता है, ये आरएच फैक्टर किस जाति के आधार पर रखा गया? जो आरएच फैक्टर जो है ये कौन सी जाति के आधार पर रखा गया? रैट, मंकी, वेल, स्नेक, ठीक है। आरएच फैक्टर जो है जिसकी खोज की थी लॉर कार्ल स्टीनर ने की थी, ठीक है, कार्ल स्टीनर ने जो है इसकी खोज की थी, किसकी? आरएच फैक्टर की, कार्ल स्टीनर ने इसकी खोज की। तो उन्होंने ये प्रयोग जो है किसके ऊपर किया था? तो ये प्रयोग उन्होंने एक मंकी के ऊपर किया, ठीक है, जिसका नाम था वीनर, वीनर नाम का मंकी था जिसके ऊपर उन्होंने ये खोज की और उसके नाम पर आरएच फैक्टर रख दिया। मंकी इसका सही है, कार्ल स्टीनर ने इसकी खोज की थी, मंकी इसका सही है। उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका कैप्राहिक्रस जो है, कैप्राहिक्रस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, किसका साइंटिफिक नेम है? कैप्राहिर्कस, कैप्राहिर्कस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है? कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी, सही है। तो किसका है? क्या वो सिप का है, काऊ का है, घोड़ा का है, मतलब हॉर्स का है, या गोट का? किसका आपका एनिमल का जो है साइंटिफिक नेम जो है कैप्राहिर्कस है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इनमें से किसी का नहीं है, गोट का जो है साइंटिफिक नेम कैप्राहिकस है। आप लोग इन सभी के नाम याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कैप्राहिकस किसका है, तो आप इन सभी के याद कर लीजिएगा। तो गोट का जो है वो कैप्राहिकस नहीं है, ठीक है, तो गोट का जो है कैप्राहिकस नाम है, इन सभी का याद कर लीजिएगा, गोट का सही जो साइंटिफिक नेम है वो है कैप्राहिकस, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट और मशरूम, ईस्ट और मशरूम जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में आते हैं? ईस्ट और मशरूम जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में आते हैं? फंगी, मोनेरा, प्लांटी, प्रोस्टिस्टा, प्रोस्टिस्टा, प्लांटी, मोनेरा या फंगी, किस में आते हैं? ठीक है, फंगी, मोनेरा, प्लांटी या प्रोस्टिसिया। देखिए जो हमारे क्या होते हैं, ईस्ट और मशरूम, ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं, इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, मतलब ये अपना खाना अपने आप नहीं बना पाते हैं, ये अपना खाना अपने आप नहीं बना पाते हैं,
ठीक है, ये आपके दीवालों पर लगे रहते हैं, और बाकी के सब में जो है इनके अंदर आपके पाया जाता है क्लोरोफिल, सिर्फ फंगी जो है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है, तो फंगी इसका जो है सही जवाब है कवक, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, फंगी इसका सही जवाब है। अब उसके बाद से सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स जो हैं, सबसे ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो किस फाइलम में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो किस फाइलम में पाए जाते हैं, मोलास्का, ऑर्थोपोडा, कोलेंट्रेटा या कोलेंटमेटास लिखा हुआ है, कोलेंट्रेटा भी इसको पढ़ते हैं, एनिलीडा, ठीक है, मोलास्का, ऑर्थोपोडा, ठीक है, कोलेंट्रेटा या एनिलीडा, किस में सबसे ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 80% एनिमल्स जो हैं, ठीक है, 80% एनिमल्स जो हैं वो आपके इस समूह में पाए जाते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, तिलचट्टे जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। और इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑर्थोपोडा, सबसे ज़्यादा कीट पतंगे इसी में ही पाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑर्थोपोडा इसका सही जवाब है, एनिलीडा नहीं बेटा, एनिलीडा नहीं, ऑर्थोपोडा होना चाहिए, ठीक है। ऑर्थोपोडा की खास बात होती है कि जितने भी जानवर होते हैं उनके पैर जो हैं संधिपाद होते हैं, इसी से जुड़े होते हैं, ऑर्थोपोडा। 80% एनिमल पूरे वर्ल्ड के इसमें पाए जाते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन कि तिलचट्टा जो है या कॉकरोच जो है इनमें से किसमें आता है, ठीक है, तिलचट्टा या कॉकरोच जो है इनमें से किसमें आता है, इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा, प्लेटी हेलमेंथीज या मोलास्का, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा, प्लेटी हेलमेंथीज या मोलास्का, किस में आएगा हमारा कॉकरोच, इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा या प्लेटी हेलमेंथीज, किस में आएगा मोलास्का, किस में आना चाहिए, बहुत इजी है, तो जितने भी कीट पतंगे हैं सारे के सारे किस में आते हैं, तो ऑर्थोपोडा में आते हैं, ठीक है, ऑर्थोपोडा इसका सही जवाब है। उसके बाद से इक्वस्कागा, इक्वस्कागा जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, इक्वस्कागा जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, किसका साइंटिफिक नेम है जो इक्वस्कागा है, ठीक है बेटा, बाकी के आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बताए जाएंगे। चलिए फटाफट से बताइए कि इक्वस्कागा जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो ये देखिए इक्वस जो है, इक्वस जिस भी जिसके आगे लग जाए तो वो जान जाइए कि वो हॉर्स ग्रुप का है, हॉर्स का है, ठीक है। तो इक्वस जो है ये आपका जेब्रा जो है एक तरीके का हॉर्स होता है, तो इक्वस्कागा जो है वो आपका जेब्रा से रिलेटेड है, ठीक है, जेब्रा से रिलेटेड है, ठीक है, तो जेब्रा से रिलेटेड है, तो इक्वस्कागा जो है वो आपका जेब्रा से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, याद कर लीजिएगा साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद से आपको बताना है इनमें से कौन से एनिमल्स जो हैं जिनके लंग्स जो हैं वो जिनका वॉल्यूम बड़ा होता है, इनमें हवा जाने की जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसकी वजह से इनके बॉडी में क्या होती है, एयर भर जाती है, और इस वजह से इनको इस समूह में रखा जाता है। तो ये इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं या बर्ड, ठीक है, कहने का मतलब जो इनके लंग्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, लंग्स की वजह से इनमें क्या बन जाती है, हवा भर जाती है, और इनके बॉडी में जो है इनकी डेंसिटी कम हो जाती है हवा भरने की वजह से। साइंटिफिक नेम की फाइल चाहिए, चलिए ठीक है, मैं आपको साइंटिफिक नेम की जो फाइल है वो दे दूंगा। तो यहाँ पर आंसू बता रहे हैं रेप्टाइल होना चाहिए, रेप्टाइल बेटा हवा भर के क्या करेंगे अपने बॉडी की डेंसिटी को बढ़ा करके, ठीक है। राम अवतार बोल रहे हैं कि सर इंसेक्ट्स होना चाहिए, मैमल्स होना चाहिए, ठीक है, तो ये बॉडी में अपने एयर को इंजेक्ट करते हैं, तो क्या होना चाहिए इसका सही जवाब बताइए फटाफट से, इनके बॉडी में हवा रहती है और इनका डेंसिटी जो है ये कम हो जाती है, ठीक है। तो देखिए जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स के लंग्स में क्या होती है, हवा भर जाती है, और जब ये हवा भर लेते हैं अपने बॉडी में तो इनकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से लगभग बराबर या कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये हवा में उड़ने लगते हैं। तो बर्ड्स जो है इसका सही जवाब है, बर्ड्स, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो यूक्रोलिटिक जो है, यूरिकोलोटिक एनिमल्स, ठीक है, यूरिकोलोटिक एनिमल्स याद रखिएगा, यूरिकोलोटिक एनिमल्स जो है नाइट्रोजिनियस वेस्टेड किस फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में आपके जो यूरिकोलोटिक एनिमल्स जो हैं किस फॉर्म में एनिमल्स
नाइट्रोजिनियस वेस्टेज को निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली कौन से होते हैं, तो ये आपके एनिमल्स जो होते हैं कीट पतंगे होते हैं, यूकेरियोटिक जिन्हें बोलते हैं, ये किस फॉर्म में निकालते हैं, तो ये यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में। हाँ बेटा मिल जाएगा आपको साइंटिफिक नेम की, ठीक है, यूरिक एसिड के फॉर्म में ये निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका न्यूमेटिक एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को वापस से एवीज होना चाहिए। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यूरिक एसिड इसका सही जवाब है। बटरफ्लाईज जो है वो कौन से फाइलम में आते हैं, कार्डेटा, एनिलिडा, ब्रायोजा, ऑर्थोपोडा, ठीक है, किस में आते हैं आपके बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज जो हैं वो किस में आते हैं, कार्डेटा, एनिलिडा, ब्रायोजा या ऑर्थोपोडा। मैमल्स यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं और बाकी के जो हैं वो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो तितलियाँ किस में आती है, तो तितलियाँ एक तरीके से कीट पतंगे हैं, इनका जो बॉडी से ही इनके जो पैर जो होते हैं वो निकले रहते हैं, ठीक है, और फिर क्या होते हैं पंख होते हैं इस तरीके के, तो ये जो है आपका किस में आता है, तो ये आपका ऑर्थोपोडा में आएगा, ठीक है। नरेसिस फैटिमा जिसको आप लोग केचुआ भी बोलते हो, हिरुदिनिलिया या जिसको जोंक भी बोलते हैं, वो कौन सी क्लास में आता है, वो कौन सी क्लास में आता है आपका, ठीक है, कोलेंट्रेटा, एस्केमेटिन्स, एनिलिडा या ऑर्थोपोडा, बताना है आपको फटाफट से, या आपका जो केचुआ हो गया, जोंक हो गया, नरेसिस हो गया, ये किस में आता है। तो यहाँ पर प्रेम शंकर बता रहे हैं कि सर एनिलिडा में आते हैं, एनिलिडा में जो है वो आते हैं, तो एनिलिडा की खास बात बता दें कि ये जो है इसके जो जितने भी एनिमल्स हैं ये क्रीप करते हैं, क्रीप मतलब रेंगते हैं, ठीक है, रेंग करके ऐसे ऐसे चलते हैं, उसके बाद से यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक लिंगी होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही में होता है, ठीक है, इनमें नर्वस सिस्टम जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एनिमल जो है वो एनिलिडा में आते हैं, इसका सही जवाब क्या है, तो एनिलिडा है। नेक्स्ट है, उसके बाद से ऑर्थोपोडा के बाद कौन सा फाइलम जो है वो सबसे बड़ा होता है, ऑर्थोपोडा के बाद कौन सा जो फाइलम है वो सबसे बड़ा होता है, ऑर्थोपोडा के बाद कौन सा फाइलम जो है वो सबसे बड़ा है, कौन सा फाइलम सबसे बड़ा है, ठीक है, मोलास्का, कार्डेटा, काइलोमेट्स या एनिलिडा, कौन सा फाइलम जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, कार्डेटा, काइलोमेट्स या एनिलिडा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो फाइलम है वो है मोलास्का, जो कि इसकी खास बात क्या होती है मोलास्का की, तो मोलास्का जो है इसके ऊपर सबसे पहले ज़्यादातर जो जीव हैं उनके ऊपर क्या पाया जाता है, तो उनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, एक बोल सकते हैं लेयर पाई जाती है, जिससे कि जो है एनिमल्स इसके अंदर रहते हैं, सॉफ्ट एनिमल्स रहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, तो मोलास्का इसमें सबसे ज़्यादा एनिमल दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं ऑर्थोपोडा के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फाइलम में आपके फ्लैट वर्म पाए जाते हैं, फ्लैट वर्म इनमें से किस में पाए जाते हैं, फ्लैट वर्म इनमें से किस में पाए जाते हैं, ठीक है, मोलास्का, कार्डेटा, टेनोफोरा या प्लेटी हेलमेंथीज, किस में आपके फ्लैट वर्म पाए जाते हैं, मोलास्का, कार्डेटा, टेनोफोरा या प्लेटी हेलमेंथीज, किस में आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके जो फ्लैट वर्म जो है ये बेसिकली आपके पेट में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, तो ये आपके पैरासाइट हैं, और जितने भी पैरासाइट जो किस तरीके के होते हैं, फ्लैट होते हैं, जिनका बॉडी फ्लैट होता है, वो सारे के सारे प्लेटी हेलमेंटीज में आते हैं। दूसरा इनका क्या है कि ये सारे के सारे पैरासाइट होते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल बोल दें तो टेप वर्म, फ्लैट वर्म, ये सारे के सारे जो है प्लेटी हेलमेंटीज में आते हैं, याद रखिएगा प्लेटी हेलमेंटीज। उसके बाद से काइनस वुलेप्स जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, काइनस वुलेप्स किसका साइंटिफिक नेम है, काइनस वुलेप्स जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, डॉग, वुल्फ, फॉक्स, हिएना, ठीक है, किसका साइंटिफिक नेम है, काइनस वुलेप्स, काइनस वुलेप्स जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, डॉग, वुल्फ, फॉक्स या हिएना, किसका साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर सरिता गुप्ता बता रही है कि डॉग का है, आंसू बता रहे हैं वुल्फ का है, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है वुलेप्स, तो वुलेप्स याद करना है कि वुलेप्स वर्ड आ गया तो वो किसका होगा, तो वो होगा किसका, तो फॉक्स का होगा वुलेप्स, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट है ऑरबिला एटलिस, ठीक है, ऑरबिला एटलिस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है। देखिए यहाँ पर आपको साइंटिफिक नेम आपसे रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, ऑरबिला एटलिस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, ज़्यादातर साइंटिफिक नेम में जो है लोग गड़बड़ कर रहे हैं,
ठीक है, तो साइंटिफिक नेम की आपको एक क्या है कि सीट मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपके सीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो उसको सभी लोग याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या है, तो स्पाइडर मंकी, ठीक है, स्पाइडर मंकी जो है उसका सही जवाब, यह इसका सही जवाब है, इसका अर्बियल एरेटिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रैब जो है केकड़ा वो किससे संबंधित है, मोलस्का, नेरिडिया, ऑर्थोपोडा या प्लेटी हेलमेंथीस। क्रैब जो है वो किससे रिलेटेड है, क्रैब, ठीक है, मोलस्का, नेरिडिया, ऑर्थोपोडा या प्लेटी हेलमेंथीस किससे रिलेटेड है आपका, क्या क्रैब, क्रैब किससे रिलेटेड है आपको बताना है, क्रैब जो है वो किससे रिलेटेड है। तो देखिए बहुत ईजी है, क्रैब भी जो है वो आपके ऑर्थोपोडा से रिलेटेड है, क्रैब भी जो है वो आपके ऑर्थोपोडा से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि ऑर्थोपोडा का इनमें से कौन सा एनिमल सदस्य नहीं है, ठीक है, कौन सा एनिमल इसका पार्ट नहीं है, टर्टल, स्पाइडर, स्कॉर्पियन या कॉकरोच, इनमें से कौन सा जो है वो ऑर्थोपोडा समूह का नहीं है, टर्टल, स्पाइडर, स्कॉर्पियन या कॉकरोच, कौन सा ऑर्थोपोडा में नहीं आता है, टर्टल है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है या कॉकरोच है, कौन सा जो है वो आपका ऑर्थोपोडा में नहीं आ रहा है, टर्टल, स्पाइडर, स्कॉर्पियन या कॉकरोच। ठीक है, तो देखिए टर्टल जो है वो इसमें नहीं आता है, ये एक रेप्टाइल है, टर्टल आपका इसमें नहीं आता है, बाकी के सारे सब में जो पैर हैं वो जुड़े होते हैं और ये सारे के सारे ऑर्थोपोडा समूह में आते हैं, तो टर्टल नहीं आता, स्पाइडर बेटा ऑर्थोपोडा में आता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे आज के एनिमल्स के क्लासिफिकेशंस के ऊपर क्वेश्चन। कल हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।